What is up guys, this is Abhishek और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे iPhone 11 के बारे में कि iPhone 11 is it worth to buy iPhone 11 in 2021? Yes or no? इसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं ये इस वीडियो में देने वाला हूँ और इससे मेरे को मतलब ना 8 months हो गया रहेगा अप्रॉक्सी से यूज़ करते हुए iPhone 11 को और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस रहा इस फ़ोन के साथ। कुछ कमियाँ भी है वो भी इस वीडियो में शेयर करना ना, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक प्लीज़ करो ताकि वीडियो पे मोटिवेशन रहे यहाँ पे, बिकॉज अगर आप लग लाइक करते हो ना फ्रेंड्स यहाँ पे तो वीडियो का रीच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वीडियो का जो इंप्रेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक करो, उसके बाद वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे ये है मेरा iPhone 11 फ्रेंड्स, इसे मैं काफ़ी दिनों लगभग 8 months हो गया रहेगा इसे यूज़ करते हुए। ऑब्वियसली यहाँ पे एंड्रॉयड यूज़र को अगर आप iPhone यूज़र पे स्विच करेंगे तो आप लोग को स्टार्टिंग में बहुत सारे लिमिटेशन रहते हैं एप्लीकेशन पे, इन द सेंस कि बहुत ही मतलब एंड्रॉयड में बहुत जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत सारे चीज़ों को लेके। एंड्रॉयड में बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं बट इसमें यहाँ पे लिमिटेशन है, इसमें आप लोग जल्दी से पहले बार तो हैक एप्लीकेशन इसमें चलेगा नहीं, आपको जेल ब्रेक करना पड़ेगा तो जाके चलेगा, वरना अगर आप लोग कहीं से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर लेते हैं इसका सॉफ्टवेयर ही ना 2 दिन में डिटेक्ट कर लेगा, फिर कभी कभी तो 1 ही दिन में डिटेक्ट कर लेता है और उसको अनवेरीफाइड करके उस एप्लीकेशन को चलेगा ही नहीं आपके अंदर। एंड्रॉयड में तो ऐसा होता नहीं, एंड्रॉयड में तो भाई पेड एप्लीकेशन सब लोग यहाँ पे हैक करके मतलब हैक क्या डाउनलोड करके आप लोग चला लेते हैं यहाँ पे, बट इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और ये कुछ प्रॉब्लम। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है एंड्रॉयड से आईफोन में, अगर आप लोग व्हाट्सएप का बैकअप लेंगे तो वो होगा ही नहीं, बिकॉज एंड्रॉयड में जो बैकअप आता है वो आता है गूगल ड्राइव पे और इनका आई क्लाउड पे आता है, तो वो सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा मगजमारी करना पड़ेगा तब जाके आप लोगों को इसमें बैकअप मिलेगा, वरना बैकअप आप लोग भूल ही जाइए मेरे हिसाब से तो, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे। वरना बहुत सारे सॉफ्टवेयर वंडर शेयर के देखने को मिलते हैं बट वो थोड़ा पेड है, 1000-2000 रुपये आपको और स्पेंड करना पड़ेगा तो जाके आप लोगों को बैकअप देखने को मिलेगा इसके अंदर। बाकी फ़ोन की अगर डिस्प्ले की बात किया जाए ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए डिस्प्ले कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब ये जो डिस्प्ले है ये फ्रेंड्स 720+ HD+ डिस्प्ले बोला गया है और जो पैनल है वो IPS पैनल दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहेगा यार आईफोन में IPS पैनल क्यों दे रहे हैं, एमोलेड देना चाहिए था बिकॉज बहुत ही महंगा यहाँ पे कॉस्टली फ़ोन यहाँ पे ये आता था उस टाइम पे यहाँ पे, तो ये एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक थी। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा फ्रेंड्स, अगर आप एंड्रॉयड के कोई भी HD+ डिस्प्ले को ले लीजिए और इसके HD+ को ले लीजिए सेम IPS पैनल दोनों ही, ये जो डिस्प्ले ये काफ़ी ज़्यादा रिच ब्राइटनेस देखने में मिलेगा। ऑब्वियसली IPS एमोलेड में तो बहुत फ़र्क रहता है बट यहाँ पे ये जो डिस्प्ले आता है फ्रेंड्स ये भी कम नहीं है, आप इसे कम मत समझिए, ये भी बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले देखने में मिलता है भैया। ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो आउटपुट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, वीडियोस में कुछ भी देख लीजिए आप लोगों को एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, भले ही ये 720+ है यहाँ पे बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूज़ किया गया बट ये जो डिस्प्ले है IPS पैनल होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रिचनेस जो कलर्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब ये तो बात हो गई डिस्प्ले की, अब बात करते हैं ना हम इसके परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पे मैं चालू करता हूँ एक साथ, कम से कम नहीं तो 15-20 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होता रहता है, बट आज तक 8 months हो गए आज तक एक भी बार मुझे ड्रॉप एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन लैग या फिर कोई भी फ़ोन में हल्का सा लैग 1% तक देखने को नहीं मिला है। एंड्रॉयड में कितने भी फ्लैगशिप ले लीजिए 6 से 8 महीने में 1-2 बार तो कभी कभी एप्लीकेशन ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे हल्का फुल्का तो जिटर देखने को मिल जाएगा। आज तक रिकॉर्ड है 8 months हो गए एक भी बार जिटर नहीं, लैग नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम मक्खन की तरह चला है मेरा फ़ोन यहाँ पे। कभी कभी क्रैश करता है एप्लीकेशन वो इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो A13 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है वो अभी भी इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मतलब आप लोगों को क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ पे गेमिंग कह लीजिए डे टू डे लाइफ कह लीजिए बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है यहाँ पे। अनलाइक अभी iPhone 12 है वो भी फ्रेंड्स A14 बायोनिक चिपसेट के साथ आता है, अब वो थोड़ा सा और अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स यहाँ पे वो अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे ये जो A13 ये इटसेल्फ इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप लोग A14 की तरफ नहीं भी जाएंगे यानी कि iPhone 12 की तरफ नहीं भी जाएंगे तो भी आप लोगों को इससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि कम प्राइसिंग में 50,000 रुपीज़ के अंडर में iPhone मिलना बहुत ही बड़ी बात है, वो भी बेस्ट यहाँ पे मिलना यहाँ पे डुअल कैमरे वाला। कैमरे में मैं आगे बात करूँ तो ये बात होगी परफॉर्मेंस की, A13 बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पे।
जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कैमरा की, तो 12+12 पीछे की तरफ देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल, और यहाँ पे मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अब कैमरे के सेंसर की तो बात ही क्या कहूँ, जो प्रोसेसिंग करता है इमेज निकालने के बाद, जो प्रोसेस करता है इमेज को, वो इतना बढ़िया फोटोज़ निकल के आता है। आप लोगों को बता, देखो आईफोन जाना ही जाता था कैमरे के लिए, बिकॉज इसका जो कैमरा है वो वर्ल्ड क्लास कैमरा रहता है। भले ये लोग आईफोन एप्पल वाले बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल की तरफ ना भागते हैं, बट यहाँ पर फिर भी जो इनका इमेज प्रोसेसिंग रहता है, जो सेंसर रहता है, वो इतना बढ़िया देते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी फ्लैगशिप किलर, मतलब फ्लैगशिप जो 108 मेगापिक्सल एंड्रॉइड में देते हैं ना फ्रेंड्स, उसको यहाँ पे ये टक्कर दे देगा, टक्कर उसको हरा भी देगा यहाँ पे, मैं बोलूँ तो यहाँ पे। तो जो आउटपुट मिलता है फ़ोन का, इसका यहाँ पे कैमरे का, वो बहुत ही अच्छा देखने मिलता है। अल्ट्रा वाइड भी एक नंबर, मतलब बहुत ही कमाल के, बहुत ही ऐसा लगेगा DSLR के पिक्चर्स निकाले गए इससे। तो यहाँ पे ये कैमरा के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो कैमरा में आप लोग आँख बंद कर लीजिए, कैमरे के हिसाब से ले रहे हैं तो आईफोन 11 की तरफ ले सकते हैं। आईफोन 12 का भी लगभग सेम ही देखने को मिलता है कैमरा, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बट वही है A14 है, थोड़ा डिस्प्ले एमोलेड कर दिया गया उसमें यहाँ पे, बट ये अभी तक फिलहाल के लिए भी बेस्ट निकल के आता है। वहीं बात करूँ बैटरी की, देखो बैटरी एक चीज़ थी आईफोन में, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि एक दिन तक बैटरी नहीं चल पाती थी। आईफोन 11 से ना ये सिस्टम चेंज हुआ गया है। आईफोन जो 10R था वो भी अच्छा बैटरी देकर था, बट आईफोन 11 से ना एप्पल ने बैटरी का इको सिस्टम भी बदल दिया। यहाँ पे ये ना मैं सुबह चार्ज करता हूँ समझो 9-10 बजे के आसपास, फुल ना रात होने तक, यानी कि करीबन 9 से 10 पकड़ लीजिए, 8 के बाद पकड़ लीजिए रात के, मेरा यहाँ पे बैटरी 20% तक आता है, यानी कि फिर भी ये 12-13-14 घंटे कभी कभी आउटपुट देता है। और मैं प्राइमरी यूज़ करता हूँ यहाँ पे इस आईफोन 11 को ही यूजुअली, और LG विंग भी है मेरा, वो सेकेंडरी डिवाइस ऐसे यूज़ करता हूँ, बट ये एज अ प्राइमरी डिवाइस ही यूज़ करता हूँ, यानी कि बैंकिंग से ले लीजिए, हर एक चीज़ मैं इसमें ही करता हूँ यहाँ पे। तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसमें देखने को मिल गई है, वरना यूजुअली अगर आप इतना हैवी यूज़ करेंगे तो 8-9 घंटे तक चल जाएगा, बट ये 12-14 घंटे तक का बैटरी आउटपुट मुझे दे देता है कंटिन्यूस यूज़ पे यहाँ पे मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो बैटरी भी इसका काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है। देखो अब ओवरऑल बात आती है कि फ़ोन की काफ़ी की कैसा है, 12 लेना चाहिए 11 लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 50,000 रुपये के अंदर में आप लोगों को आईफोन 11 ही लेना चाहिए, A13 बेस्ट बाय। बोल सकते थोड़ा डिस्प्ले में थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे और परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ A13 A14 में। और एक चीज़ मैं बता दूँ फ्रेंड्स, अभी लेटेस्ट ही यहाँ पे ना एप्पल ने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट डाला है, और वो सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसा है कि फ्रेंड्स यहाँ पे कि हर एक एप्लीकेशन को आप खोलेंगे ना, तो उसमें लिख के आता है, पॉपअप आता है कि दिस एप्लीकेशन वॉन्ट टू ट्रैक योर लोकेशन, येस और नो करके आता है। तो ये नया जो अपडेट आया iOS का 14.6, ये काफ़ी द सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, और एप्पल जाना ही जाता है सिक्योरिटी के वजह से। iOS यहाँ पे जो इको सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, और ये YouTube के लिए बहुत ही, जो भी यूट्यूबर है उनके लिए एक आईफोन रखना बहुत ही ज़रूरी है। और आईफोन में ही आप अपने मेल ओपन कर लीजिए, अगर कोई फिशिंग स्पैम मेल भी आता है अगर आप उसे ओपन कर लेंगे तो सफारी ब्राउज़र वो खोलेगा ही नहीं उस लिंक को, वो लिख के आ जाएगा कि मलेशियस वेबसाइट है, मलेशियस थिंग है, यहाँ पे वो इटसेल्फ इसका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा और आप लोगों को बचा लेगा आपके जीमेल यूट्यूब अकाउंट हैक होने से। तो इसकी वजह से ये आईफोन मैंने परचेज़ किया था सिक्योरिटी की वजह से, बट अब तो ऐसा हो गया कि फ्रेंड्स यहाँ पे आईफोन ही चाहिए, बिकॉज एज अ प्राइमरी डिवाइस के तौर पे यूज़ हो गया, कैमरा भी अच्छा है, ओवरऑल मेरे हिसाब से ना परफॉर्मेंस वाइज हर एक चीज़ वाइज एस्पेक्ट में आईफोन 11 इन 2021 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज जो प्राइस है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्थ है। वरना यूजुअली मैंने हमेशा से ही बोला आईफोन बहुत ही एक्सपेंसिव है, वर्थ बिल्कुल भी नहीं थे, बट ये वाला आईफोन 11 ये कभी कभी सेल में तो 46,000-47,000 तक में भी मिल जाता है, तो उसके हिसाब से बहुत ही वर्थ मेरे हिसाब से यहाँ पे ये आईफोन 11 देखने को मिलता है। तो आईफोन 11 2021 डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, ओवरऑल बेस्ट निकल के आता है यार। मेरा तो परफॉर्मेंस, मेरा तो यूसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है इस फ़ोन के साथ, या फिर मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे। आप लोग बताओ अगर आप लोग के पास आईफोन 11 है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो कर दो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, स्ट्रेट आउट आंसर है येस, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस आईफोन 11 रादर देन गोइंग फॉर द आईफोन 12 यहाँ पे। तो बस बने टेक एंड टू चैनल के साथ, बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।